मैं आपको हम थ्रेश होल्ड का ना मैं वैसे एक मरतबा ना आपको दोबारा से उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड क्या है, वो कम से कम तवानाई जो किसी आला जिसको बेदार करने के लिए ज़रूरी हो थ्रेश होल्ड कहलाती है। महीश की वो इंतहाई निचली सतह जो हिस्सी रद्द अमल पैदा कर सके कर सके मतलब के दहलीज होगी। अगर महीश की शिद्दत मतलब दहलीज से कम होगी तो इंसानी हवास उसे महसूस नहीं कर सकते। अब घड़ी की सुइयों की इन्होंने एग्जांपल दी है कि घड़ी की सुइयां सारे यानी कि चलती हैं, वो हरकत में रहती हैं, हरकत में रहने के बावजूद हमें उसका एहसास वो अपना एहसास दिलाने में नाकाम हो जाती है। एक गिलास पानी में चीनी के दो दाने जायके में किसी किस्म की तब्दीली पैदा नहीं करते, हालांकि चीनी जो है उसके अंदर मौजूद होगी, चाय के अंदर भी या कॉफी के अंदर भी, लेकिन वो दाने इतने यानी कि नहीं होंगे कि वो अपना एक टेस्ट साबित कर सके। और इसके अलावा जो हमारा जो हम पढ़ रहे थे वो ये था कि जी अंडर आइडियल सर्कमस्टेंस, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हाँ जी, आप under ideal circumstances absolute threshold are very low for any sensory modality, किसी भी किस्म की sensory modalities हो उनके लिए threshold level जो होगा वो बहुत ज्यादा low होगा। However, our environment seldom provide us ideal condition to detect stimuli, ताहम जो हमारा माहौल होता है हमें मुकम्मल तौर पे ऐसी सूरत हाल बना के पेश करते हैं stimuli की कि हम उसको detect कर सकें। आमतौर पे सेवरल आवर इन्वायरमेंट आमतौर पे नॉर्मली सेवरल इररिलेवेंट एंड कंपीटिंग स्टिमुलाई आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट दैट इंटरफेयर विद द परसेप्शन ऑफ अदर स्टिमुलाई। अब अगर हम जो काम कर रहे हैं जिस स्टिमुलस पे हम काम कर रहे हैं परसीव कर रहे हैं उसके साथ इंटरफेयर करने के लिए और बहुत से स्टिमुलस होंगे जो कि हम उनको कहते हैं कि ये बैकग्राउंड स्टिमुलस है या नॉइज स्टिमुलस है। ऑडिटरी स्टिमुलस यानी कि आवाज का सुनना ही अकेला नॉइज स्टिमुलस नहीं होता, बल्कि वो सारे स्टिमुलस जो हमारे मेन स्टिमुलस के साथ इंटरफेयर कर रहे हों वो भी नॉइज की ही सेंस में लिए जाएंगे। और इसके अलावा आगे पढ़े आप? यस सर। उसके बाद हमारे पास आ गया था जी सेकंड पे कि जी ये हमने थ्योरी पढ़ ली थी, दोनों ही थेरीज को हमने कवर कर लिया था कि नहीं किया था? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताएं जल्दी करें, थ्योरी को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हेलो सर, नहीं पढ़ा था सर, कुछ पता नहीं लग रहा क्या आप रहा है। सबसे पहली जो थ्योरी थी वो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी थी, इसमें कहा गया नॉइज इज नॉट द ओनली फैक्टर, नॉइज सिर्फ एक फैक्टर ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टिमुलस की सेंसिटिविटी पर असरअंदाज होते हैं। यानी कि सिर्फ नॉइज ही नहीं इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टिमुलस की सेंसिटिविटी पर असरअंदाज होते हैं। अकॉर्डिंग टू सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी योर लाइकलीहुड ऑफ डिटेक्टिंग द वीकेस्ट स्टिमुलाई दैट प्रोड्यूस अ सेंसेशन डिपेंड ऑन योर एक्सपेक्टेशन एंड मोटिवेशन। अब सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के मुताबिक ये चांसेस होते हैं आप अपने कमजोर जो स्टिमुलस होते हैं उनको तब ही मालूम कर पाते हैं अगर ये प्रोड्यूस करे अ सेंसेशन डिपेंड ऑन योर एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस तरह कुछ हो वैसे ही इसने सेंसेशन पैदा कर दी है तो फिर आप वीक स्टिमुलस को भी डिटेक्ट कर लेंगे। एंड मोटिवेशन और तहरीक, सपोज योर नेबर हैव आस्क्ड यू
टू कीप एन आई ऑन देयर हाउस। मिसाल के तौर पे अगर आपका हमसाया आपसे कह दे कि हमारे घर का ख्याल रखना वाइल दे आर अवे ऑन वेकेशन, जबकि वो खुद छुट्टियों पर चले जाए, छुट्टियां मनाने चले जाए या छुट्टियों पे किसी रिलेटिव के घर चले जाए। इफ यू नोटिस अ फेंट लाइट इन देयर डाइनिंग रूम, अगर आप ये नोट करें कि उनके डाइनिंग रूम से एक मध्यम रोशनी आ रही है, यू विल इमीडिएटली बिकम अलर्ट, आप फौरी तौर पे एक्टिव हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्ररी टू दिस सिचुएशन एन इल्यूमिनेटेड हाउस इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट मे नॉट प्रोड्यूस सच सेंसेशन। कह रहे कि इसी तरह अगर उसी गली के अंदर गली के लास्ट में एक मकान के घर से इसी तरह की ही रोशनी आ रही हो तो आप उसको मालूम नहीं करोगे। क्यों नहीं मालूम करोगे? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस और मोटिव्स ऐसे नहीं हैं। अगर होते तो आप एक वीक स्टिमुलस को भी जरूर आप डिटेक्ट कर लेते। अब ये जो ऊपर तीन लाइनें लिखी है ना कि अकॉर्डिंग टू सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी योर लाइक्लीहुड ऑफ डिटेक्टिंग द वीकेस्ट स्टिमुलस, क्या आप उस वक्त ज्यादा वीक स्टिमुलस को भी डिटेक्ट कर लेंगे अगर तो वो आपकी सेंसेशन पे इस तरह से पूरा उतरे कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। सपोज अब घर वाले जो नेबर थे वो आपको बता के गए हैं कि हमारे घर का ख्याल रखना, अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इनके घर में कोई आना जाए, मैंने इनका ख्याल रखना है। मोटिवेशन भी आपकी उसी तरह से, अगर तो उस घर में कुछ होगा तो आप फौरी तौर पे अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर उसी तरह के किसी और घर में पूरी गली में रात को अंधेरा है और किसी और घर में रोशनी है तो आप तब अलर्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन और आपके मोटिव उस घर की तरफ उस सिचुएशन की तरफ नहीं है। समझ आ गई इस चीज की? यस सर। उसके बाद आ जाता है डिटेक्टिंग अ स्टिमुलस कैन बी अ मैटर ऑफ लाइफ, कि जब हम किसी स्टिमुलस को मालूम करते हैं वो जिंदगी का मकसद हो सकता है और मौत का भी, दोनों ही सूरतें हो सकती हैं जब किसी स्टिमुलस को हम मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक रडार ऑपरेटर है वो फर्क ना कर पाए कि दुश्मन की तरफ से मिसाइल आ रहा है या आसमान से आसमान पर परिंदे हैं, अब दोनों में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइफ का मैटर भी हो सकता है और डेथ का मैटर भी हो सकता है। इसी तरह अगर आपने किसी को कत्ल करते हुए देख लिया है और आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है कि आप आके मुर्दमों की शिनाख्त करें, तो अगर तो आप सही शिनाख्त कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने लाइफ किसी की सेव कर ली है। अगर आप किसी की शिनाख्त वो बंदा जिसने कत्ल किया ही नहीं उसका नाम ले लेंगे या उसको गलती से शिनाख्त कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको मौत के घाट उतार दिया है, ये उसकी डेथ का मैटर भी हो सकता है। सिमिलर इसी तरह इन सच अ सिंगल डिटेक्शन सिचुएशन मिस आइडेंटिफिकेशन कैन हैव अ ग्रेव कंसीक्वेंस। सिंगल डिटेक्शन सिचुएशन के अंदर अगर आप किसी चीज की शिनाख्त करने में नाकाम हो जाएंगे तो इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं एक फर्द के लिए। इफ एन इनोसेंट पर्सन इज इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड, अगर आप एक मासूम बंदे को मुजरम कह देंगे, बाय मिस्टेक आपसे ये हो गया, एंड फॉर सोसाइटी और माशरे के लिए, इफ एन एक्चुअल क्रिमिनल इज नॉट डिटेक्टेड, अब अगर आपने किसी ऐसे बंदे को पहचान लिया जो कि मासूम है, आपसे गलती होगी तो आपने उस बंदे का नुकसान कर दिया, और माशरे का नुकसान किस सूरत में किया कि आपने क्रिमिनल को नहीं पहचाना और क्रिमिनल दोबारा से माशरे के लिए नुकसान का बाइस बनेगा। अंडरस्टैंड सर? रडार का दोबारा बताना है। किसका सर? रडार ऑपरेटर का, वो उसमें। हाँ जी,
रडार ऑपरेटर की मिसाल ये है कि अगर आप सपोज आप में से कोई ऐसा बंदा है जो रडार ऑपरेटर है, रडार ऑपरेटर का काम क्या है कि जी उसने रडार में कोई भी चीज आती है ना उसके बारे में आगाही हासिल करनी है और उसके बारे में बताना है। सपोज मैं कहता हूँ कि जी रडार पे आ रहे थे मिसाइल, लेकिन उसने फर्क नहीं किया, उसे लगे कि ये परिंदे हैं क्योंकि रडार पे एक्चुअल तो तस्वीर नहीं आती, अब उसने ये कह दिया कि ये परिंदे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसने पूरे माशरे को तबाह कर दिया। अगर मिसाइल आके उसे लग गए तो पूरे के पूरे शहर उड़ जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। समझ आ गई? यस सर। उसके बाद आप आ जाए के बाद आ जाता है हमारे पास डिफरेंस थ्रेशोल्ड बिसाइड डिटेक्टिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वीक स्टिमुलस। इस बेस में हम जाते नहीं है कि जो वीक स्टिमुलस है वो मौजूद है कि नहीं मौजूद है, इस बेस में नहीं हम जाएंगे। वी ऑफन परफॉर्म एन अदर साइकोफिजिकल टास्क, हम अक्सर दूसरा साइकोफिजिकल टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो साइको क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू स्टिमुलाई, दो स्टिमुलस के दरमियान हम फर्क को देख रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे कि वीक है वो मौजूद है कि नहीं मौजूद, हम बल्कि दो स्टिमुलस के दरमियान फर्क को फील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। द क्लासिकल रिसर्च ऑन डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब क्लासिकल रिसर्च जो हुई डिस्क्रिमिनेशन पर, उसने दो उसने बहुत अहम कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, एक तो जिसको हम देख सकें कि डिफरेंस क्या है, नोट कर सकें। साइकोलॉजिस्ट कॉल इट द डिफरेंस थ्रेशहोल्ड, साइकोलॉजिस्टों ने इसको मुख्तलिफ थ्रेशहोल्ड कहा। द डिफरेंस थ्रेशहोल्ड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन द फिजिकल स्टिमुलस। अब डिफरेंस थ्रेशहोल्ड हम किसको कहते हैं? ये उस चीज को बयान करता है कि अगर एक फिजिकल स्टिमुलस है उसमें कितनी तब्दीली रोनमा हुई है to produce a just noticeable difference in sensation, कि हमारी senses जो हैं उससे difference को मालूम कर सके। अभी इधर ही मैं एक example दे देता हूँ। आप एक कमरे में, कमरे में 10 लाइटें चली हुई है, 10 लाइटें जल रही है, suddenly 11वीं लाइट भी जल जाए तो आप उसको नोट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर कमरे में सिर्फ एक लाइट जल रही थी और अचानक से 10 लाइटें बाद में चल पड़ी हैं तो आप उस दोनों के दरमियान डिफरेंस को फील कर सकोगे कि कितने अगर उसमें तब्दीली की जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट थ्रेशहोल्ड बन गया है। ये चीज एक्चुअल इसमें समझाने की कोशिश की गई है। आवर एबिलिटी टू डिटेक्ट डिफरेंस, हमारी सलाहियत कि हम डिफरेंस को मालूम कर सकें इन स्टिमुलस, एक स्टिमुलस के अंदर इंटेंसिटी डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, शिद्दत का इनसार किस चीज पे होता है? मैग्नीट्यूड पे होता है ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस, कि शुरू में वो स्टिमुलस का मैग्नीट्यूड क्या था, इस चीज से हम शिद्दत का अंदाजा लगा सकते हैं। वी इजीली डिटेक्ट इवन स्मॉल चेंजेस इन वीक स्टिमुलस, हम एक कमजोर स्टिमुलस के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी तब्दीली आ जाएगी ना तो उसको महसूस कर सकते हैं, उसको मालूम कर सकते हैं। But we require much larger change before we notice difference in strong stimulus. जैसे ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि 10 लाइटें हो, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, हमारी सेंसेस उसको फौरी तौर पर डिटेक्ट करें, लेकिन अगर 11 हो जाएंगे ना तो वो डिफरेंस यानी कि हमें फील नहीं होगा क्योंकि ये स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक स्टिमुलस है कि जिस शुरू में सिर्फ एक लाइट थी उसके बाद 10 जली तो फिर 11 हुई, तो इसका मतलब अब हम डिफरेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं क्योंकि इनिशियल स्टिमुलस जो वीक था उसमें थोड़ी सी भी अगर चेंज होगी तो हमें पता चल जाएगा
लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस में हम चेंज लेके आएंगे तो हो सकता है कि हम उस चेंज को फील ना कर सके, उस डिफरेंस को महसूस ना कर सके। अभी तक अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है जितना हमने पढ़ा है ये वाले पैराग्राफ में, तो आप लोग पूछ सकते हो। है किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? हेलो। नो सर। अब इसकी ना मैं एक एग्जांपल भी आपको और भी दे देता हूँ जो कि इसमें नहीं लिखी हुई, उससे हट के देते हैं। उसमें ये कहा गया है कि अगर एक ग्लास में 50 ग्राम चीनी मिलाई जाए जबकि दूसरे ग्लास में 53 ग्राम, यानी तो दोनों ग्लासों में चीनी की मकदार में फर्क कितना हुआ? सिर्फ 3 ग्राम। हमारी जबान मिठास के इस फर्क को महसूस नहीं कर पाएगी। एक में 50 ग्राम है, दूसरे में 53 है, तो इतना फर्क हम महसूस, हमारी जबान मिठास में फर्क नहीं कर पाएगी। लेकिन इसी तरह अगर एक कमरे में 10 ट्यूबलाइट पहले से रोशन है मगर कुछ देर बाद फर्क के इलम में लाए बगैर अगर एक और ट्यूबलाइट का इजाफा कर दिया जाए तो इस कमरे की रोशनी में इजाफा होगा, फर्क उसे महसूस नहीं कर पाएगा। यानी कि ये दोनों ही एग्जांपल वो वाली है जो मैंने आपको दे दी है कि हमें किस तरह यानी कि इस चीज का कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। होपफुली कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। यस सर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अर्नेस्ट वेबर। Was the first to present the ratio of just noticeable difference to a stimulus of a given intensity as a constant value termed Weber constant. अब अर्नेस्ट वेबर ने ना एक नजरिया पेश किया रेशियो का कि इसके जरिए हम noticeable किसी भी चीज को मालूम कर सकते हैं। Difference to a stimulus, अगर स्टिमुलस हमारे पास है उनमें फर्क हम महसूस मालूम कर सकते हैं, ऑफ अ गिवन इंटेंसिटी उसकी कोई भी शिद्दत हो, एज अ कांस्टेंट वैल्यू टुवर्ड वेपर कांस्टेंट, उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी यानी कि वेपर ने जो बताई होगी उसके साथ उसको मिला के हम उसका डिफरेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। मिसाल क्या है उसने दी, वेपर कांस्टेंट फॉर साउंड इंटेंसिटी इज 10। वेबर कांस्टेंट क्या है कि जी साउंड इंटेंसिटी के लिए साउंड की शिद्दत के लिए वो 10% है। अकॉर्डिंग टू वेबर्स लॉ द इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड विल नीड टू बी इंक्रीज बाय 10%। तो कोई भी साउंड हो उसकी शिद्दत का में हम इजाफा कर सकते हैं 10% तक बिफोर वी परसीव अ डिफरेंस, किसी भी डिफरेंस को मालूम करने से पहले हम उसकी इंटेंसिटी में 10% तक इजाफा कर सकते हैं। वेबर्स लॉ शोज दैट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन विल वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। अब वेबर के कानून के मुताबिक जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है कांस्टेंट प्रोपोर्शन की वो तब्दील हो सकती है हर काम, अगर आज कोई और काम है तो उसके लिए कुछ और होगी, कोई और काम होगा तो उसके लिए कुछ और। The true proportional increase in weight. अब जो true proportional है वो weight की सूरत में इजाफा होता है, that produce just noticeable difference in between 2-3%। अगर weight वाली चीज होगी तो अगर उसमें 2-3% आप change कर देंगे, उसको increase कर देंगे तो हम difference जो है वो मालूम करने के काबिल होंगे। Whereas टू स्मेल, अगर हम स्मेल की बात करें मस्ट डिफर बाय 25% कि उनमें फर्क जो है 25% तक होगा तो फिर ही हम डिफरेंस को मालूम कर सकेंगे। अगर मिलते जुलते दो परफ्यूम हैं उनमें अगर परसेंटेज के हिसाब से 25% मुख्तलिफ उसकी स्मेल होगी तो वो फिर ही डिटेक्ट होगी, अदरवाइज डिटेक्ट नहीं होगी। उसके बाद आ गया रिसर्चर्स have conducted a wide variety, researchers ने तहकीक करने वालों ने बहुत से, अगले पेज पे आते हैं, a wide variety of conducted a wide variety of
उसने बहुत ज्यादा इस तहकीक करने वालों ने बहुत ज्यादा मकदार में तादाद में मुतालात किए किन पे, विजन पे, हेयरिंग पे एंड अदर सेंसेस, और हमारी दूसरी जितनी सेंसेस हैं उन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। द एजर्ट डिमोंस्ट्रेट दैट वेबर्स लॉ इज रीजनेबली एक्यूरेट इन प्रिडिक्टिंग सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, और जो उन तहकीकात के नतीजे निकले उससे ये बात साबित हुई कि जो वेबर ने कानून दिया है रीजनेबली, अगर हम सोचें तो वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक वही है जैसा कि उसने बयान किया, या उसके यूज़ करके हम दो चीज़ों या सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। समझ आ गई है? हेलो यस सर। यानी कि कहने का मतलब ये जितनी भी जो कुछ वेबर ने कहा था ना, बाद में आने वाले लोगों ने उस पर रिसर्च की और रिसर्च से जो नतीजा निकला ना वो वही था जो वेबर ने कहा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेंसरी अडेप्टेशन। एन इंटरेस्टिंग चेंज अकर व्हेन अ कांस्टेंट स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड टू अ पर्सन फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम। एक दिलचस्प तब्दीली उस वक्त देखी जा सकती है जब एक ना तब्दील होने वाले स्टिमुलस को हम एक बंदे को दें एक लंबे वक्त के लिए, यानी कि उस स्टिमुलस में कोई तब्दीली ना आए और जिस बंदे को हम वो स्टिमुलस दे रहे हैं वो एक लंबे टाइम के लिए दें तो फिर हम एक चेंज को देख सकते हैं। इसमें कहा है द सेंसरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व बीइंग टू अडॉप्ट टू दैट स्टिमुलस। अब जो हमारी सेंसरी साथ है वो इस चीज़ में लग जाएगी कि वो अडॉप्ट करे उस स्टिमुलस को। अ प्रोसेस नोन एज द सेंसरी अडॉप्टेशन, इस अमल को हम सेंसरी अडॉप्टेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, इफ अ स्टिमुलस रिमेन कॉन्स्टेंट इन इंटेंसिटी, अगर एक स्टिमुलस में कोई तब्दीली ना आए और उसकी शिद्दत में, यानी कि उसकी शिद्दत जितनी भी एक स्टिमुलस की शिद्दत है वो कांस्टेंट रहे उसमें कोई तब्दीली ना आए, यू विल ग्रेजुअली स्टॉप नोटिसिंग इट, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको मालूम करना या नोट करना बंद कर देंगे। मिसाल के तौर पे इफ यू आर प्रेजेंटेड विद अ कांस्टेंट टोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप को एक बेल जो है वो एक लंबे वक्त के लिए आपको सुनाई जा रही है, योर हेयरिंग रिसेप्टर्स विल डिक्रीज देयर फायरिंग रेट, तो आपके जो सुनने वाले रिसेप्टर्स हैं वो इसकी फायरिंग यानी कि उस साउंड की फायरिंग के रेट को कम कर देंगे, विल डिक्रीज देयर फायरिंग रेट एंड यू विल परसीव द टोन एज लेस लो, और आपको वो पहले की निस्बत कम आवाज में सुनाई देगी। और सेंसरी रिसेप्टर्स शो अडेप्टेशन, जितने भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं वो अडेप्टेशन को जाहिर करते हैं, बट सम सेंसेस अडेप्ट क्विकली, लेकिन कुछ सेंसेस ऐसी होती हैं जो जल्दी से अडॉप्ट कर लेती हैं, मिसाल के तौर पे स्मेल एंड टच, वाइल अदर अडेप्ट स्लोली। अब वो कह रहे हैं कि ये स्मेल हो गई या टच हो गई ये जल्दी से अडॉप्ट कर लेती हैं। टच एज द सेंस ऑफ पेन, जो पेन होती है ये आहिस्ता से अडॉप्ट करती है। सेंसरी अडेप्टेशन अलोज अस टू फंक्शन एफिशिएंटली, अब सेंसरी अडेप्टेशन हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम अच्छे तरीके से कोई काम सारे अंजाम दे सकें। इन अ वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी, जो कि एक लंबे यानी कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलस हैं शिद्दत में, उन सब के साथ हम अच्छे तरीके से काम को सर अंजाम दे सकें। एंड मेक अस मोर रिस्पॉन्सिव टू नोवल स्टिमुलस, और हमें इस काबिल बनाती है कि हम नोवल स्टिमुलस पे अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन सर? डेफिनेशन रिपीट कर दें इसकी, अडैप्टेशन की। यस सर। हाँ जी, the sensory an interesting change occur, उस वक्त एक दिलचस्प तब्दीली आपको देखने को मिलेगी। When a constant stimulus is present, जब ना तब्दील होने वाला stimulus एक बंदे को दिया जाएगा एक लंबे टाइम के लिए। द सेंसरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड बिगिन टू अडॉप्ट, अब वो सेंसरी स्ट्रक्चर जो होगा हमारी, जो सेंसरी साख होगी वो इस चीज में लग जाएगी कि हम उस स्टिमुलस को अडॉप्ट कर लें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंसरी अडॉप्टेशन। सपोज मैं एक बात आपको करता हूँ, आपके कान के नजदीक ला के कोई है ना रिंग बेल जो है, सडनली जब वो आएगी ना तो आपको बहुत ज्यादा उसकी इंटेंसिटी फील होगी, लेकिन जब वो चलती रहेगी तो एक वक्त आएगा कि आपके सेंसरी रिसेप्टर्स उसकी जो फायरिंग है उसके रेट को लो कर देंगे। इस प्रोसेस को उसने सेंसरी अडेप्टेशन कि हमारी सेंसेस ने अडोप्ट कर लिया हुआ है उसे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी के शुरू में हमें सुनाई दी। समझ आ गई है? Yes, sir. उसके बाद आ जाता है। हाँ जी, कौन बोलने लगा था? सर नेट स्लो चल रहा है, दोबारा समझा दे वो वाला पॉइंट दोबारा से। बहुत अच्छे क्लैपिंग, ये मैंने है ना समझा दिया हुआ है, ये यूट्यूब पे ना हम यानी के लेक्चर को डाउनलोड कर दूंगा लिंक आप लोगों को। मैंने सबको कहा था कि जी आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डाउनलोड करूं तो आप सबके पास वो पहुंच जाए, आप सबको नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन अभी तक आप सब ने उसको कोई भी ना सब्सक्राइब किया है ना लाइक किया है। आप चाहते नहीं हो कि मैं यूट्यूब से कुछ कमाऊं। अच्छा जी, द सेंसेस उसके बाद आ जाता है। द सेंसेस चुप हो जाओ। मोस्ट पीपल बिलीव दैट, सर आप लिंक कर दीजिएगा क्या? सर लिंक सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, उसको फिर आप सब्सक्राइब कर लेना, बार बार मैं आप लिंक नहीं है ना सेंड कर सकता, या मैं एक मतलब सेंड करता हूँ ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप फौरी तौर पे उसको ओके कर, आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे। ठीक है सर, बस टाइम कर दें। ओके, मोस्ट पीपल बिलीव दैट, ओके सर, मोस्ट पीपल बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव ओनली 5 सेंसेस। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इंसान के अंदर 5 तरह की सेंसेस पाई जाती हैं, जो कि विजन है, ऑडिशन है, ओल्फैक्शन है, टेस्ट है एंड टच है। इन फैक्ट वी हैव मोर देन अ डजन सेंसेस, हम इससे भी ज्यादा के एक दर्जन सेंसेस रखते हैं। आवर स्किन कंटेन्स रिसेप्टर, हमारी जो स्किन होती है उस वो रिसेप्टर्स पर मुश्तमिल होती है फॉर एट लीस्ट 4 काइंड ऑफ सेंसेशन, तकरीबन 4 किस्म की सेंसेशन होती है, नेमली टच, वार्म, कोल्ड, पेन। ये सिर्फ किसके ऊपर है? हमारी स्किन के ऊपर है। 4 तरह की सेंसेशन हम इन 4 तरीकों से फील कर सकते हैं। डीप विद इन द ईयर, अगर हम कान की गहराई में जाएं, इज एन ऑर्गन, ईयर इज एन ऑर्गन, ऑर्गन है ये कान जो है हमारा एक ऑर्गन है, दैट प्रोवाइड अस अ सेंस ऑफ बैलेंस, जो कि हमें एक हाल से तवाज़ुन की सेंस प्रोवाइड करता है। वेयर एज रिसेप्टर्स इन द मसल, जबकि जो मसल्स के रिसेप्टर होते हैं या जॉइंट्स के या टेंडोंस के, प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट,
वो हमें हरकत के मुतलक मालूमात देते हैं एंड पोजीशन ऑफ आवर बॉडी और हमारी इस वक्त जिस्म में यानी कि पोजीशन क्या है उसकी, क्या हम बैठे हुए हैं, क्या खड़े हैं, क्या कौन सी पोजीशन है। मोर ओवर सर्टेन रिसेप्टर्स, कुछ ऐसे खास रिसेप्टर भी होते हैं विद इन द ब्रेन मोनिटर, जो कि ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, वो मोनिटर करते हैं ब्लड की केमिस्ट्री को और ब्लड के टेम्परेचर को। ब्लड केमिस्ट्री एंड टेम्परेचर वगैरह ये दो चीजों को वो मेजर करते हैं, मोनिटर करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? बोले अभी नहीं आई बेटा। आमतौर पे ना लोग ये समझते हैं कि हमारी पांच सेंसेस है, लेकिन पांच सेंसेस के अलावा एक दर्जन और भी सेंसेस होती हैं इसके बारे में हमें पता नहीं है। जैसे उसने बात की स्किन की, स्किन के अंदर चार तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो के महसूस करते हैं गर्मी को, सर्दी को और उसके अलावा दर्द को। ये सारे सेपरेट हैं और टच वगैरह ये सेपरेट सेंसरी रिसेप्टर्स हैं स्किन के ऊपर जो होते हैं। यानी कि चार तो ये हो गए डीप, और अगर हम कान के गहराई में जाएं तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमें एक बैलेंस तवाजन की सेंस प्रोवाइड करता है। और इसके इसी तरह जो हमारे मसल्स जॉइंट्स और टेंडन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमें मालूमात देते हैं हमारी हरकत से मुतलक, हमारे बॉडी की पोजीशन से मुतलक। इसके अलावा कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्रेन में पाए जाते हैं और वो किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, एक तो ब्लड केमिस्ट्री को और दूसरा टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे हैं। ईच सेंसिस ऑर्गन कंटेन्स स्पेशल सेल्स, हर सेंसिस ऑर्गन जो है कुछ खास किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है दैट आर सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, वो एक खास किस्म के स्टिमुलाई के सेंसिटिव होते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑल सेंसरी रिसेप्टर्स इज टू कवर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अब बुनियादी तौर पे सेंसरी रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि माहौल में मौजूद जितने भी स्टिमुलाइज हैं उनको कवर करना, कन्वर्ट करना, सॉरी उनको कन्वर्ट करना न्यूरल इंपल्स में that are relayed over specialized nerve pathway, जो कि मुश्तमिल होता है खास किस्म के नर्व पाथवे, पाथवे का मतलब होता है रास्ता, टू स्पेशलाइज सेंसरी एरिया, जो कि सेंसरी एरिया तक जाता है इन द ब्रेन, ब्रेन में उधर से ये गुजर के नर्व इंपल्स फिर सेंसरी ही पाथवे से होती हुई ब्रेन तक जाती है। हेयर द न्यूरल इंफॉर्मेशन अंडरगोज रिफाइंड एनालिसिस, यहाँ जो न्यूरल इंफॉर्मेशन होती है ना वो गुजरती है कि हम उसका एनालिसिस जायजा दोबारा से ले सकें एंड मे अल्टीमेटली लीड द कॉन्शियस एक्सपीरियंस, और ये हमारे अंदर कॉन्शियस एक्सपीरियंस को भी बना सकती है एंड सम टाइम्स टू एक्शन, और बात का तो हमें एक्शन पे भी मजबूर कर सकती है। ईच सेंसरी नर्व सीम्स टू प्रोवाइड ओनली इट्स ओन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, अब हर सेंसरी जो नर्व होती है ना वो मुहैया करती है सिर्फ अपनी मालूमात को ब्रेन के अंदर, ब्रेन को अपनी ही मालूमात वो मुहैया करती है। द न्यूरल पाथवे टू द विजुअल कॉर्टेक्स, अगर हम देखने के मतलब बात करें विजुअल कॉर्टेक्स का, तो उसका जो न्यूरल पाथवे यानी कि जहाँ से नर्व गुजरती है आर कनेक्टेड टू द, वो जुड़ा हुआ होता है आर कनेक्टेड टू, अच्छा जी, आर कनेक्टेड टू रिसेप्टर्स इन द आई, जो आई से रिलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। दैट रिस्पोंड ओनली टू लाइट, जो सिर्फ रोशनी पे अपना रिस्पोंड देते हैं। एंड पाथवे टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स आर कनेक्टेड रिसेप्टर्स, अब पाथवे जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स का है वो जुड़ा हुआ होता है रिसेप्ट कान के रिसेप्टर्स में, कान में रिसेप्टर्स के साथ जुड़ा होता है। डेट रिस्पॉन्ड ओनली टू चेंज साउंड प्रेशर, अगर आवाज में
कि दबाव में कोई तब्दीली आए तो उस पर यह रिस्पॉन्ड करता है. एज वी डिस्कस ईच सेंसरी सिस्टम दिस स्पेशलाइजेशन विल बिकम क्लियर. जब हम एक एक सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो इसकी जो स्पेशलाइजेशन है कि ये कौन सा काम करता है कैसे करता है उसके बारे में हमें मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. समझ आ गई आप लोगों को बात? समझ आ गई है सर? टेंडेंस मीन कौन सी लाइन पे लिखा हुआ है? बोले सेंस में